एक तरफ ईरान और इसराइल के बीच युद्ध का संकट गहराता जा रहा है, वहीं इसराइल का लेबनान हिजबुल्ला के साथ भी तनाव बरकरार है। इस बीच गाजा में हमास लड़ाकों के साथ तनातनी का दौर बेहिसाब जारी है। एक बार फिर हमास लड़ाकों ने घात लगाकर इसराइली बलों पर जोरदार हमला बोला। समूह ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर करते हुए इसराइली हौसलों को पस्त करने की पूरी कोशिश की। हमास की ओर से जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़ाके खंडहर बन चुके हैं, गाजा की इमारतों में छिपे बैठे हैं। इस दौरान इजरायली जवान मेरकवा टैंक में गश्त लगाते हुए देखे जा सकते हैं, जहां पहले से ही हमास लड़ाकों ने जमीन के नीचे बारूद रखा हुआ था, जिसे शुआट डिवाइस के जरिए ब्लास्ट किया गया। इस दौरान बटन दबाते ही एक झटके में इजरायल का मेरकवा टैंक आग का बड़ा गोला बन जाता है और धुएं का गुबार हवा में दिखाई देता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़ाका टूटी फूटी इमारत में बैठा है, उसके हाथ में शुआट डिवाइस का कंट्रोल है, जिसका बटन दबाते ही टैंक टुकड़े टुकड़े हो गया। टैंक में इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ कि उसके चिथड़े आसपास की इमारतों में जाकर गिर पड़े। बताया जाता है कि टैंक में दो ब्लास्ट हुए, जिसकी भयंकर तस्वीर भी देखी जा सकती है। माना जा रहा है कि गश्त लगाते टैंक में कई हथियारों की खेप और कई जवान मौजूद होंगे। वही हमास लड़ाकों के शुआट डिवाइस की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाल में प्रतिरोध के लड़ाकों की ओर से इसका इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। इससे पहले भी लड़ाके गाजा के अलग अलग कोने में इस तरह के धमाके करते आए हैं। इजरायली सेना की माने तो पिछले एक साल से गाजा में जारी इजरायली ऑपरेशन से हमास की कमर टूट चुकी है। उसका सबसे बड़ा नेता यहया सिनवार भी इजरायली हमले में मारा गया। उसके तमाम बड़े नेता मिट्टी में मिल चुके हैं। ऐसे में इजरायल डिफेंस फोर्स के लगातार एक्शन के बाद अब हमास में त्राहिमाम मच गया है। मगर हमास इजरायल से एकदम उलट तस्वीर पेश कर रहा है। लड़ाके अलग अलग इलाकों और इमारतों में छिपकर इजरायल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अपने दावों की पुष्टि करते हुए हमास लड़ाके लगातार अपने हमलों का वीडियो भी शेयर करते हैं, जिसमें लड़ाके इजरायली बलों को गाजा में हराते हुए धमाकों में मरते हुए दिखाया जाता है। खैर, इजरायल हमास की जंग की रणभूमि बना गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया है, जहां आम लोगों का कोई नामो निशान नहीं देखने को मिलता है। टूटी फूटी गोला बारूद से छलनी हो रखी इमारतों को देखा जा सकता है। एक तरह से गाजा लाशों से पटा पड़ा है। दूसरी ओर लेबनान के हिजबुल्ला समूह ने भी इजरायली बलों पर जोरदार हमलों को जारी रखा। समूह ने बताया कि लड़ाकों ने अल मनारा और मार्गलियट की बस्तियों के बीच इजरायली सैनिकों के जमावड़ों को रॉकेट से निशाना बनाया। यहां लड़ाकों ने एक ही दिन में दो बार निशाना बनाया। इसके अलावा फातिमा गेट पर इजरायली बलों की टुकड़ियों पर तोप खाने के गोले से निशाना बनाया। यहां भी समूह ने एक दिन में तीन बार हमला कर इजरायली खेमे में हड़कंप मचाया।